तो उसके लिए पार होना है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी एक बार दरिया पार करना लगे, रस्ते दे विच की वेख्या कई मलावां ने अपनी अपनी बेड़ियां सजाइया हुई हैं। वो बेड़ी सजाण का भाव की सी, वो चाहते सन कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मेरी बेड़ी में आकर बैठन। उन्हां बेड़ियां सजाइया दे विच एक सिख है, उसका नाम है भाई सहदा, साखी आप सारे ने सुनी होगी। भाई सहदा पातशाह दे अगे अरदास करदा, पातशाह तुसी मेरी बेड़ी दी आके बैठो, मैं तुहानू अपनी बेड़ी च बिठा के दरिया पार करावांगा। सत संगत जी बाकियां दे मलावां ने भी अपनी अपनी बेड़ी चमका के रखी सी, पर पातशाह उस चमक वाली बेड़ी ते नहीं गए। आपां शब्द पढ़दे ना, एह तन माया पाहिया प्यारे, लीतड़ा लभ रंगाए, मेरा कंध ना भावै चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सहजै जाए। कहते जी तो दुनियावी शिंगार करके रब न खुश करने की कोशिश करता है ना, कहते मेरे परमात्मा शिंगार नहीं चंगे लगते। गोबिंद भाओ भगत का भुखा, वो तो सच्ची श्रद्धा के भुखे हैं। परमात्मा गुरु साहब सच्ची श्रद्धा वेखते हैं कि अंदर कितनी श्रद्धा है। भाई सहदे ने पातशाह बुलाया, अपनी बेड़ी से बिठाया, दरिया पार करवाया है। दरिया पार कराते कराते पातशाह के मन में आया है, सिख की सेवा बहुत है, श्रद्धा बहुत है, मैं जिन्हों बख्शिशा देनिया हैं। तो उधर सहदे के मन में आ रहा, अज पातशाह को मैं पैसे नहीं लेने। पातशाह ने कृपा की, मेरे को मेरी बेड़ी भी आके मेरे को सेवा लई है, मैं पैसे नहीं लेने। सात संगत जी गुरप्रो बनाए तो सफल होंगे, जब असी अपना एनालाइज करते हाँ, जब असी सोचते हाँ असी कितने खड़े हाँ। अं तो 10 रुपए दे के सोचते हैं गुरद्वारा ही खरीद लीए, अं तो 10 रुपए दे के सोचते हैं सारा संसार का भ्रमण ही असी खरीद लीए, 10 रुपए बाद पाने डिमांडा साड़ियाँ पहला शुरू हो जाए। गुरु साहब ने आख्या सेवा करत होए नहि कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। गुरु की सेवा करनी है पर की है, इच्छा रह तो के। भाई सहदे ने सेवा की है, दरिया पार होया, पातशाह ने पुख्या सहदे आ दस तेनू की किराया देिए। भाई सहदा कहिंदा पातशाह मैं अपनी बरादरी वालों को किराया नहीं लैंदा। जब ये गल नाल दे सिंघा ने सुनी, नाल दे सिंघ कहिंदे भाई तू नीवी जात का मला, ये शहनशाह मालक तेरी तो दोवां की किवें बरादरी है, क्योंकि भाई गुस्से में आ गए। पातशाह ने आख्या सिंघो तलखी विच ना आओ, मेरे सिख की रमज तो समझो। भाई सहदा कहिंदा पातशाह तुहाडी तां मेरी एक ही बरादरी है, मैं अपनी बरादरी वालों को किराया नहीं लैंदा। पातशाह तू भी मला मैं भी मला, फर्क इतना ही है, मैं दुनियावी दरिया पार कराना, तू संसार समुद्र पार कराना। पातशाह कृपा कर, पातशाह कृपा कर, अज मैं तेरे दर ते, तू अज मैं तुसी मेरे को आयो, मैं तुहानू दरिया पार कराया है। पातशाह जिस दिन मैं अवगुणा का भरिया तुहाडे दरबार में आवांगा, उस दिन मेरे को भी तुसी किराया ना लेना। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मुहे तारा। जैसा बालक पाए सुपाए लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बहु पाती, बहुत पिता कल लावे, पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे। गुरु साड़ियां गलतियां माफ करता है, जिवें एक पुत्र गलतियां करे नशा करे प्यो दे लखां रुपए बर्बाद कर दे, पर जे पुत्र अपनी गलती मनदा होया प्यो कोल वापस आ जाए ना, कहिंदे सवेर दा भुला शाम नूं वापस आ जाए, उहनूं भुला नहीं कहिंदे। असी जिंदगी च लखां गलतियां कीतियां, असी पतित पुना कीता, असी अपने रोमां दी बेइज्जती कीती है, असी नशे कीते हन, पर अज जे गुरु गोबिंद सिंह गुरु दा गुरप्रो मना रहे हैं, अज जे सिखी वल मुड़े आईए, प्रण करिए अज शराब छड़ दईए, प्रण करिए असी अज फैशन प्रस्ती नूं छड़ दईए, मालक कृपा कर सानू भी संसार समुद्र पार करा देंगे। सत संगत जी मैं गल साफ स्पष्ट कहना होना, लोग कहना कि शायद 60 साल की उम्र तो पहला गुरु गोबिंद सिंह पातशाह डीक रहे हैं, ये साडा एक वहम है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आख्या पहला परिवार को संभालो, पहले अपने घर में बैठे बुजुर्ग को संभालो, अपनी माँ को संभालो, अपनी परिवारिक जिम्मेवारियों को संभालो, फिर मेरे को आयो। दूजी गल साढ़े वर्गे की कहते हैं 60 साल तक ऐश करो, 60 साल तो बाद बुढ़े हो जाएंगे तो अमृत छकेंगे, बच्चे विआह के अमृत छकेंगे। अज किसी को कहो ना अमृत छक लो, अजे धी का विआह करना फिर अमृत छकेंगे, पुत्र का विआह करना फिर अमृत छकेंगे, क्यों?
तद तक पता है शराब पीनी है जी। तो जो शराब पी पी के लीवर गल गल गया उदू कहना जी गुरुद्वारे आ जाओ हूँ आप अमृत छक लिया। नहीं भाई, शरीर काम कर रहा है उदू इंसान ने शराब छड़ी उदा मनिया उसने बलिदान किया। हुण जे डाक्टर ने कह दिता भी शराब नहीं पीनी उदू छड़ी दा की फायदा। नैनो नै नीर बह तन खीना भय केस दुवानी रूता कंठ, शब्द नहीं उचरा है। अब क्या करे प्राणी, ये तो मोतिया बंद ऑपरेशन हो गया उदू गुटका साहब फड़िया जाता। नहीं भाई, उदू तो अखा वैसे ही पानी निकल लग पैंदा है। उदू पहले ही गोडे जो दर्द होने लग पे उदू गुरुद्वारे भी नहीं बैठा जाता। जवानी नू संभालो, जवानी वाले गुरुद्वारे आओ। तो जे जवानी वाले असी जवानी अपनी विषय वकारा में गाल लई तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सू कदी नहीं सू बख्शना। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का पावन फरमान, जब लग खालसा रह न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब यह गहे पिपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। जब तक एक बेटा जब तक एक धी अपने पिता का कहना मानती है सार सकती ध्यान देना, तद तक उन्हें पिता भावें दिहाड़ी करके कमा के दे, भावें मंग के लियाए, भावें जितनी मर्जी मशक्कत करे उसका ढिड पालता है। पर जिस दिन पुत्र कहने तो बाहर हो जाता है पिता बेबस होकर कचहरी जाके 10 रुपए के स्टाम्प लिखना पैंदा है, मैं अपने बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर रहा हूँ, क्यों मेरा बेटा मेरे कहने पे नहीं है। जब तक असी गुरु की अगर गल नूं मन्नांगे सानू पातशाह बख्शिशां ही बख्शिशां देगा। पर जिस दिन असी गुरु के कहने तो निकल गए, जिस दिन असी गुरु की सिख्यावां तो निकल गए, माफ करना भावें हर महीने गुरपुरब मनाइए कोई फायदा नहीं। गुरपुरब मनाउण का मकसद की है, जो पिछले साल जीवन से उस बदलाव लैके आना है। सिर्फ एक रागी जैसा सदिया कीर्तन सुनिया अपना एक मन दे विच एक विचार लैके आ कि गुरपुरब मनाया, नहीं भाई कुछ साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। गुरु हर रोज़ नवी शिक्षा देंदा है, नवी विचार देंदा है। आंतरिक बेनती आप जी करा, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का एक दिन मन करिया कि मैं दरिया के कंडे जाना है, नाल कुछ सिंह भी तुर पाए। तुरदे तुरदे पातशाह ने सद्दू दरिया के कंडे कौतक रचाया। पातशाह ने एक पत्थर चकिया तो घुमा के दरिया च मारिया। जब पत्थर दरिया से मारिया सवाल किया सिंगो ये पत्थर क्यों डुबिया। नाल दे सिंह ने आख्या पातशाह पत्थर भारा है पानी होला है डुब गया। थोड़ा गां गए पातशाह फिर पत्थर चकिया फिर बगा के मारिया। कहते सिंगो पत्थर क्यों डुबिया। सिंह कहते पातशाह दसिया है पानी का सुभा है भारी चीज़ को डुबो देना तां करके डुब गया। अगां फिर पातशाह जाते फिर कहते पत्थर चके बगा के मारिया। कहते सिंगो पत्थर क्यों डुबिया। ऐतकी सिंह तलखी में आ गया कहते पातशाह दसिया तो है पत्थर का कम है पानी में डुबना डुब गया। चौथी बार पातशाह ने फिर पूछा सिंगो पत्थर क्यों डुबिया। ऐतकी सिंह नहीं पूछा, नाल ही खड़े हैं भाई नंद लाल सिंह जी। कहते नंद लाल पत्थर क्यों डुबिया। भाई नंद लाल कहते पातशाह मैं नहीं जानता पत्थर क्यों डुबिया, मैं तो एक गल वेखी जरा तुहाडे हथों छुटिया वो अज भी डुबा वो कल भी डुबा। सार संगत जी सुचेत हो जाओ, अज गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षा तो असं छुट गए हाँ। अज साढ़े घर गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षा निकल गई, अज साढ़े बच्चों पंजाबी पढ़नी नहीं आती, साढ़े बच्चों पंजाबी बोलनी नहीं आती, अज साढ़े परिवारों के गुरमुखी अलोप हो गई, साड़ा विरसा बदल गया, साड़ा पहनावा बदल गया, साड़ा कल्चर बदल गया। अजो माँ नहीं लभदी जी माँ सवेरे उठ के पाठ पढ़ती सी ना रोटी बनाती सी, जी माँ बच्चे लंच बॉक्स तैयार करके देंदी सी। अज माँ कहती बेटा स्विगी तू ऑर्डर मार ला तो बच्चा बेटा जाके मोमो ले आया, अज टिफिना भी मोमो आ गए, अज साढ़े स्कूल लंच बॉक्स में चौमीन आ गई, अज नूडल आ गए। अज असी विरसे तो टुट गए हाँ। उस दिन दूर नहीं रहा कि सानू भी अज आइलैट्स का जिमें पेपर आंदा ना तो पंजाबी का भी आइलैट्स वर्ग का पेपर होएगा। गुरु गोबिंद सिंह से अगवा जरूर रहे पर साढ़े विरसे विच्चों गुरु ग्रंथ साहब का प्यार गुरबाणी का प्यार चले गया। सुचेत हो जाइए सत संगत जी, समा मेरा समाप्त है। गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षा को सच करके मन लीए। गुरु ग्रंथ साहब तो अलावा जिंदगी कोई दाता कोई मुक्ति देने वाला नहीं है। गुरबाणी तो अलावा
कोई सानू मुक्ति देने वाला नहीं है। गुरबाणी दी विचार